रिलेटिव मोशन चैप्टर में हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं. वो कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर दो पार्टिकल स्पेस में ट्रेवल कर रहे हों तो उनके बीच में मिनिमम सेपरेशन जो है वो कितना आएगा, है ना. वैसे तो जब एक पार्टिकल रुका हो दूसरा चल रहा हो तो ये समझना ज़्यादा आसान होता है कि उनके बीच का मिनिमम सेपरेशन कितना होगा. एक के पाथ पर दूसरे पार्टिकल से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, वो मिनिमम सेपरेशन हो जाता है. लेकिन जब दोनों के दोनों चल रहे होंगे तो उनके बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, इसको समझने के लिए रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, है ना. तो यहाँ जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं उसी कॉन्सेप्ट से सोल्व करेंगे. हालांकि जो क्वेश्चन है वो रिवर बोट प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, लेकिन इस रिवर बोट प्रॉब्लम में क्या है कि दो बोट्स हैं जो कि दोनों चल रहे हैं, है ना. दोनों चल रहे हैं, एक अलग डायरेक्शन में चल रहा है दूसरा अलग डायरेक्शन में चल रहा है, और पूछा गया है उनके बीच का मिनिमम सेपरेशन. ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि दो पार्टिकल अगर चल रहे हों तो उनके बीच में मिनिमम सेपरेशन कैसे फाइंड कर रहे हैं, इसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया. फार्मूला डिराइव करके मैंने क्लास में अपने वीडियो लेक्चर में एक फार्मूला बताया. अगर उस फार्मूले को आप अप्लाई करेंगे तो सीधा जो है आंसर आ जाएगा. अदरवाइज अगर इसको डिटेल में आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आधे घंटे भी लग जाए तो भी आंसर नहीं आएगा इसका, है ना. तो वो जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया है उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझाऊंगा, फिर वो फार्मूला मैं आपको बता करके इस क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा, है ना. तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं. ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है जेई मेंस का है, 2019 में पूछा गया था. इस क्वेश्चन में कहा गया है शिप ए इज सेलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट विथ वेलोसिटी वी इज इक्वल टू 30i cap + 50j cap किलोमीटर पर आवर, वेयर आई पॉइंट्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड जे टुवर्ड्स नॉर्थ. शिप बी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर ईस्ट एंड 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ शिप ए, है ना, एंड इज सेलिंग टुवर्ड्स वेस्ट एट 10 किलोमीटर पर आवर. ए विल बी एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम बी इन, ये टाइम पूछा गया है ना. यहां पर टाइम पूछा गया है कि कितने टाइम में इनके बीच का जो सेपरेशन है वो मिनिमम होगा. तो जैसे देखेंगे ये जो क्वेश्चन दिया गया उसमें मैं डायग्राम बना देता हूं. जो ए है, ए की वेलोसिटी दी गई है 30i cap + 50j cap, कहीं ऐसे जा रहा होगा, है ना, 30i cap + 50j cap, है ना. शिप बी जो है ये ए से, ए को अगर मैं मान लेता हूं कि ए जो है ये ओरिजिन पर है, तो शिप बी दिया गया है 80 किलोमीटर ईस्ट एंड 150 किलोमीटर नॉर्थ, है ना, कहीं ऐसे होगा, इधर ऐसे मान लेते हैं कि बी जो है वो यहां पर है, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में 80 किलोमीटर और नॉर्थ डायरेक्शन में 150 किलोमीटर, ये इसका पोजीशन है. ठीक है, और साथ में ये कहा गया है कि ये किधर चल रहा है, इट इज सेलिंग टुवर्ड्स वेस्ट. जो शिप बी है वो इधर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी ये दिया गया है 10 - i cap, इस तरह से चल रहा है. तो इनके बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना होगा हमें ये बताना. ये तो हो गया क्वेश्चन की बात. जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था कि अगर दो पार्टिकल मोशन में होंगे तो उनके बीच का मिनिमम सेपरेशन कैसे फाइंड करेंगे, मैंने कहा कि उसमें अगर रिलेटिव मोशन को यूज किया जाए तो ज्यादा इजीली जो है क्वेश्चन समझ में आता है और उसको विजुलाइज भी कर सकते हैं. जैसे क्या करेंगे, इसमें ए जो है या बी है किसी एक को रेस्ट पर मान लेते हैं, एक को रेस्ट पर मान लेंगे, है ना. दोनों के बीच का मैं मान लेता हूं कि इनिशियल सेपरेशन जो है वो ये है आर ए बी. ठीक, अब ए के रेस्पेक्ट में बी जो है कहीं सपोज ऐसे चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, इसको हमने रेस्ट पर माना है, रेस्ट पर है नहीं. रेस्ट पर मानने का मतलब कि बी को मैं रिलेटिव वेलोसिटी से चलाऊंगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए. विथ रेस्पेक्ट टू ए का मतलब है ए को मैंने रेस्ट पर मान लिया है, है ना. जो ऑब्जर्वर है, ए ऑब्जर्वर है और बी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट पर समझता है. तो ए रेस्ट पर हो गया तो बी को किसी रिलेटिव वेलोसिटी से दौड़ा देंगे. अब अगर ऐसा मान लिया जाए कि ये डिस्टेंस पोजीशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल है थीटा, तो ये जो है
क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये जो बी है तो शुरू में यहाँ पर, लेकिन ऐसे चलता रहेगा इधर, तो इनके बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना आएगा, ये आएगा, परपेंडिकुलर डालेंगे, ये मिनिमम सेपरेशन आएगा। अगर ये आर ए बी है तो ये मिनिमम सेपरेशन होता है आर ए बी साइन थीटा, है ना। मिनिमम सेपरेशन तक पहुंचने में इसको कितना समय लगेगा, जितना समय बी यहां से यहां जाएगा, है ना, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये आएगा आर ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो जो बी है उसको मिनिमम सेपरेशन तक पहुंचने में इतना डिस्टेंस चलना है, तो इतना डिस्टेंस चलने में वो समय कितना लेगा, वो समय लेगा ये डिस्टेंस आर ए बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई स्पीड, उसका स्पीड जो है वो है वी बी ए, है ना। आर बी ए कॉस थीटा को लिखा जा सकता है, ये आर बी ए है, है ना, यहां वी बी ए लिखा था, यहां आर बी ए लिख सकते हैं, आर बी ए, ठीक है। तो ये हो गया आर बी ए कॉस थीटा, ये वी बी ए हो गया, तो आर बी ए कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं आर बी ए डॉट वी बी ए, है ना, ये होता है डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई जो है वी बी ए, वी बी ए का मतलब कि मैग्नीट्यूड, ये केवल आएगा एक्चुअली में क्या होता है आर बी आर डॉट वी, ये होता है आर इंटू वी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा रहेगा, आर रहेगा, तो वी हटाना है यहां से, है ना, मैं यहां पर रहता हूं आर बी ए डॉट वी बी ए, इसका वैल्यू होता है आर बी ए इंटू वी बी ए इंटू कॉस थीटा, हमें आर बी ए कॉस थीटा निकालना था, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसमें वी बी ए से नीचे डिवाइड करेंगे, वी बी ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे एक्चुअली में, तो वही मैंने यहां पर किया है। तो आर बी ए कॉस थीटा का वैल्यू इतना है और नीचे एक वी बी ए भी है, तो वी बी ए का यहां पर स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो टाइम जो है इससे निकल जाएगा, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने क्लास में डिराइव किया हुआ है, वो डिराइव करने में जो समय लगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला अगर कोई अप्लाई करेगा तो सीधे आंसर आएगा। कैसे निकालेंगे देखते हैं, यहां पर पहले आर बी ए निकालेंगे, बी का पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में, तो बी का पोजीशन देखेंगे, ये ए टी आई कैप 150 जे कैप दिया हुआ है, ए टी आई कैप प्लस 150 जे कैप, ये हो गया डॉट प्रोडक्ट वी बी ए, वी बी जो है वो ये है और ए जो है वो ये है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वी बी ए निकलेगा, है ना, तो इसमें से उसको माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस 40 आई कैप माइनस 50 जे कैप, यह आ जाएगा। हमें एक्चुअली में इसका मॉड लेना है, तो ज्यादा माइनस और प्लस साइन का फर्क पड़ता नहीं है, ठीक। फिर यहां पर नीचे देखेंगे वी बी ए का होल स्क्वायर, वी बी ए का जो मैग्नीट्यूड है ना, ये वी बी ए है, इसका मैग्नीट्यूड आएगा 40 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर का रूट, ये वी बी ए है, इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करेंगे तो ये रूट गायब हो जाएगा, है ना, कैप हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, देखेंगे एटी का, ये आई कैप वाले को आई आई कैप के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहां डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई वन होता है, इसलिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करने से जीरो हो जाता है, आई डॉट जे जीरो होता है। उसी तरह से जे वाले का जे के साथ करते हैं, क्योंकि जे डॉट जे वन होता है, जे डॉट आई जीरो हो जाता है, तो क्या आएगा यहां पर एटी इंटू माइनस 40, है ना, तो ये हो जाएगा 3200, है ना, माइनस में, और यहां भी माइनस में ही आएगा माइनस 2500, ठीक है। इसका मॉड लेना है तो माइनस साइन वैसे भी गायब हो जाएगा, और नीचे आएगा ये 2500, है ना, अच्छा यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 150 था, है ना, यहां पर ये 150 है, है ना, तो 150 है तो 5 है, तो ये 75 आ जाएगा, ठीक है, 75 हो गया, और नीचे वाला कितना आएगा 50 स्क्वायर 2500 और 40 स्क्वायर जो है वो 1600, ये आएगा। तो ऊपर वाला जो है ये हो गया 107 इंटू 100, ये हो गया
माइनस साइन को मैंने हटा दिया क्योंकि मॉड लेना था, और नीचे देखेंगे 25 इंटू 16 ये होता है 4100, तो ये आ जाएगा 2.6 आवर्स। जस्ट मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूले में वैल्यूज को फिट किया और आंसर आया, है ना। तो इस तरह से जो है वो इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, भले आप विजुलाइज कर पाएं नहीं कर पाएं कि कौन किधर जा रहा है, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो सीधा आंसर आता है।